हाय गाइस, मूवीज़ अपडेट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कल के वीडियोस में एक लीक फुटेज के बारे में आप सभी को बताया था, जो एक्चुअली रियल है और ये कोई फुटेज या फिर इमेजेस नहीं है, बल्कि एक टीवी स्पॉट है जो अनऑफिशियल सोर्स से लीक हुआ था और मुझे वीडियो क्लिप रिकॉर्डिंग करने के बाद मिला, जिस वजह से मैं उस वीडियो में ज़्यादा डिटेल कवर नहीं कर सका। लेकिन आज मैं इस वीडियो में उसी लीक वीडियोज़ पर बात करूँगा और हर छोटे छोटे सीन को एक्सप्लेन करूँगा। और हाँ, अगर आपको ये पूरा लीक टीवी स्पॉट देखना है तो फिर आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, मैं सबको सेंड कर दूंगा। इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। तो ये टीवी स्पॉट भी सभी टीवी स्पॉट का जैसा ही है, लेकिन खास बात तो यह है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा सीन देखने को मिले हैं जो इससे पहले किसी भी ट्रेलर या फिर टीवी स्पॉट में देखने को नहीं मिला है। और इस टीवी स्पॉट की शुरुआत ही पुराने वाले सीन से ही होता है जो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इसके जस्ट बाद ही एक सीन ये आता है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका सावेज है और डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर ग्रेगेंटोस से फाइट कर रहे हैं, जिसमें वो सबसे पहले एक बस को ग्रेगेंटोस के ऊपर दे मारेंगे और ग्रेगेंटोस उसी बस को उठाकर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ फेंक देगा, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक की मदद से इस बस को बीचे बीच काट देंगे। और ये चीज़ आप इस सीन में भी नोटिस कर पा रहे होंगे, जिसे मैंने सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताया है। और फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम मोडो से फाइट कर रहे हैं, जिसमें खास बात यह है कि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का हैंड किसी भी हैंडकप से बंधा हुआ नहीं है। और फिर आप इस वीडियो को आगे बढ़ाओगे तो आपको यहाँ पर एक शैडो दिखेगा जिसके हैंड में एक स्वॉर्ड है। तो इससे पहले हम लोग ये स्वॉर्ड सुप्रीम मोडो के ही हाथ में देखे थे, तो इसका मतलब है कि इस मूवी में सुप्रीम मोडो और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच एक इंटरेस्टिंग फाइट होगा, तो देखने में काफ़ी मज़े आने वाले हैं। और फिर आगे ये सीन आता है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सावेज इस पर्पल डायमेंशन में जंप कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर अपना डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज है या फिर डिफेंडर स्ट्रेंज, ये क्लियरली में देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन सपोज करो कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने वॉच की मदद से इस पर्पल डायमेंशन में आएंगे और आते ही वो दोनों जंप करेंगे ताकि वो लोग बुक ऑफ विसंती को हासिल कर पाए। बाय द वे, आपको याद हुआ कि मैंने टीवी स्पॉट का बैकग्राउंड करते समय बताया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सावेज दोनों बुक ऑफ विसंती को लेने के लिए इस पर्पल डायमेंशन में आएंगे, जिसे हासिल करना आसान नहीं होगा क्योंकि इस बुक को प्रोटेक्ट सैटोरैक कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल क्रिएचर है। खैर, इसके बाद फिर से पुराने सीन ही आते हैं, लेकिन इसी बीच एक सीन ये आता है जिसमें वांडा किसी से बातें कर रही है और यहाँ पे वांडा डार्कहोल्ड कैसल में या फिर कमाताज में, ये पता नहीं चल रहा, लेकिन पर्सनली मुझे कमाताज ही लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस सीन में वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से बातें कर रही हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच थोड़ा फाइट होगा और डॉक्टर स्ट्रेंज इन्हें मिरर डायमेंशन में कैद करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मिरर डायमेंशन कुछ डिफरेंट है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये किसी को मारने के लिए बनाया गया हो। और इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से कहेंगे, दिस इज द ओनली वे, जो आपने टीवी स्पॉट में भी कहते सुना होगा। और फिर कुछ पुराने सीन के साथ ये वीडियो क्लिप ख़त्म हो जाता है। वैसे आई नो कि रियल है, तो हो सकता है कि जब तक मैं इस वीडियो को अपलोड करूं या फिर जब तक आप इस वीडियो पर क्लिक करके देखोगे, तब तक ये टीवी स्पॉट एचडी में आ चुका होगा। तो अगर आता है तो मैं फिर कमेंट सेक्शन में लिखकर पिन कर दूंगा। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख ही रहे हो तो एक दफ़ा कमेंट सेक्शन में जरूर चेकआउट कर लेना, और जब कमेंट सेक्शन में जा ही रहे हो तो कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर देना, अच्छा लगता है भाई। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और ऐसी वीडियो देखने सब्सक्राइब भी कर लेना। और जब भी सब्सक्राइब करने का मूड बने, चाहे वो आज हो या फिर किसी दिन, तो फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल भी कर देना नोटिफिकेशन के लिए, नहीं तो ऐसे सब्सक्राइब करने का कोई फायदा भी नहीं। और कुछ पूछना है किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।